इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। कि ये जो तीसरी वेव आई है और उसके बाद ये बकायदा भारत में तो जो सूरत हाल है वो हम सब के सामने है, लेकिन ना तो हमने भारत के साथ कोई ट्रैफिक बंद करने का प्लान किया है। मतलब कि अब बकायदा बरतानिया और अमेरिका के अंदर उनकी हुकूमतों पे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि जनाब आप बंद क्यों नहीं कर रहे हैं उनके अंदर उनके साथ अपनी जो ट्रैफिक है उसकी आमद जामद। तो सर, ऐसी सूरत के अंदर ना तो हमने बरतानिया के साथ कोई ऐसी बंद करने की कोशिश की है ट्रैफिक व्रैफिक, उन्होंने कर दी हो तो हमें कोई पता नहीं, ना इंडिया के साथ। हैविंग सेड दैट, ये कितना मुअसर हो पाएगा जो हम फौज के जरिए या इस तरह के इकदाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैं अर्ज करूंगा कि हम अपने सिस्टम में कमालात दिखाते हैं, जलवे दिखाते हैं, शायद वो ज्यादा एग्रेसिव वर्ड होगा। पूरी दुनिया में, जैसे इंडिया को मैं बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं यूनाइटेड स्टेट्स को फॉलो कर रहा हूँ, यूके को फॉलो कर रहा हूँ, किसी जगह पे एसओपी की खिलाफ वर्जी बंद करने के लिए, कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए फौज को नहीं बुलाया गया। और हमसाया मुल्क जो है उसकी सूरत हाल बहुत ख़राब है, लेकिन वो रिकवर कर रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मैं अभी एक घंटा पहले मैंने उनका प्रोग्राम एक देखा था। अब हमारे यहाँ हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ चीज़ें हम तस्लीम नहीं कर रहे, और दुनिया बहरहाल जानती है और दुनिया हमें अंदर से अब समझती है। सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप का फेलियर होता है अगर आप एकदम फौज को बुला लें, और वो भी इस काम के लिए। ठीक है, इलेक्शंस में आते हैं, सैलाब में आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चीफ सेक्रेटरी, आईजी, इनके नीचे लाखों मातहत, फिर सवाल ये उठता है कि वो क्या कर रहे हैं। और अगर वो कुछ नहीं कर रहे तो फिर मेरा दूसरा सवाल ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है। क्या पॉलिटिकल लीडरशिप को ये भी अंदाजा नहीं है कि कौन सा काम किसको करने देना है? और फौज को एक्सपोज करना कोरोना के लिए, मैं समझता हूं फौज को बेहैसियत करने की एक एंगल है इसका। आखिर पूरी दुनिया बेवकूफ तो नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल अपनी आर्मी को डायरेक्टली इसमें मुलव्वस नहीं किया। ब्राजील ने नहीं किया, ब्राजील वर्स्ट हिट रहा है। अच्छा रजी साहब, मुझे अजीब लगता है जब मैं यास्मीन राशिद साहबा को सुनता हूं। मैं, मेरे से सीनियर है, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उस्मान बजदार साहब को सुनता हूं तो खैर मैं तो हैरत में चला जाता हूं, क्योंकि आज उनकी इतनी तारीफ हुई है कि मुझे लगा कि हम सारे जो मीडिया में लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, हम तो बिल्कुल फिर तिफले मकतब हैं। असल तो वही है सर, ये तीसरी वेव से पहले दूसरी वेव थी, और दूसरी वेव और तीसरी वेव के दरमियान में 4, 5, 6, 7 महीने का वक्फा था। हमने अपनी हॉस्पिटल्स की इस्तेतात, कैपेसिटी जो है, मैं गवर्नमेंट सेक्टर की बात कर रहा हूं, कितनी बढ़ाई, कितने बेड्स थे हमारे पास दूसरी वेव में, और आज हमारे पास उसमें इंक्रीज कितनी है? निल, कोई बताने को तैयार नहीं है, इंक्लूडिंग हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, कि जी हमारे पास सेकंड वेव के अंदर हमारे पास 12,000 बेड्स थे, अब अपने 21,000 कर दिए हैं। फिर मजाका खेज बात यह है कि एक साहब मौसूफ उठे और उन्होंने एक दिन नारा मार दिया 4 महीने पहले कि वेंटिलेटर्स हम बना रहे हैं। वो वेंटिलेटर्स कहां हैं? वो किस पे इस्तेमाल हो रहे हैं? वो क्यों नहीं दिए गए पब्लिक हॉस्पिटल्स? डॉक्टर साहब, अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम प्रोग्राम कर रहे थे और इसी प्रोग्राम में आप स्टूडियो में तशरीफ रखते थे, और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमने वैक्सीन बनाने का ऐलान कर दिया कोरोना की, अगर आपको याद हो। और आपने उस वक्त फरमाया था कि ये कौन लोग हैं ये बातें कर रहे हैं।
तो सर वो वैक्सीन कहाँ गई है जो हम डिस्कस कर रहे थे? मैं सर रजी साहब मैं एक अर्ज करूंगा, आज मैंने बड़ी तकलीफ दे कॉलम लिखा है बहरूपिये का, टाइटल है एक्सप्रेस में छपा हुआ, मैंने नकाल का लफ्ज इस्तेमाल किया, बाखुदा दिल से अब तकलीफ होती है जब मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं। आप मुझे बताएं कि मैंने आज से 6 महीने पहले पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट 3 बंदे को मैसेज किया कि कोविड की वैक्सीन का फॉर्मूला ले लीजिए आप, और फॉर्मूला लेके यहां आप प्रिपेयर कर लें। आपका आपको अंदाजा है कि सर उनका जवाब क्या था? मैं इंपॉर्टेंट 3 बंदों की बात कर रहा हूं, मैं कुछ सेकंड ईयर की बात नहीं कर रहा। उनका मैसेज आया मुझे कि हमारे बस की बात नहीं है, यानी पूरी दुनिया प्रक्योर कर रही है या बना रही है, हम प्रक्योरमेंट में भी सोए रहे हैं और हम लोग कैपेसिटी बढ़ाने में भी सोए रहे हैं। और अब एक चीज जब सामने देव बन के जिन बन के खड़ी हो गई है तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल सेटअप ने बैकसीट ले ली और कहा जी फौज काम करेगी। मतलब इससे ज्यादा एक बेबसी और नाअहली क्या हो सकती है? और हम हर चीज में कंपैरिजन करते हैं इंडिया से, इंडिया में फौज क्यों नहीं आई? एसओपीज की खिलाफ वर्जी तो वहां भी हो रही है, इसलिए कि सेंसिबल डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, प्रूडेंट डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। दवाई की इंपोर्ट से लेके दवाई ना बनाने तक, वेंटिलेटर्स के मुतल्लिक मुसलसल झूठ बोलने तक, हॉस्पिटल्स की आप तादाद जो है बेड्स की वो ना बढ़ाने तक, और फिर सर माशाल्लाह ताजर हजरात जो हमारे हैं अल्लाह ताला उन्हें बहुत ज्यादा नवाजे, ऑक्सीजन का एक सिलेंडर जो है उसकी कीमत दुगनी हो गई है, और एक आदमी जब तड़प रहा होता है ऑक्सीजन के लिए और आपके पास पता चलता है कि सिलेंडर जो था वो खत्म हो गया, आप लेने जाते हैं तो मुंह मांगी कीमत वसूल की जाती है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर क्यों नहीं कर रहा? मुझे तो इस चीज पे रजी साहब मैं सारी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी ये बेसिक फैसिलिटीज जो हैं, ये राइट है हमारा, ये राइट हम कहां हासिल करें जाके? हम किसको कहें? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, चीफ मिनिस्टर को तो खैर बात करनी बिल्कुल ही मायूब है, मेरा ख्याल है भट्टी साहब उस पर ज्यादा खूबसूरत तबसरा फरमाएंगे, किससे बात करें हम लोग? और मुसलसल झूठ बोलने की एक ऐसी रिवायत कायम कर दी गई है जिसमें दुनिया हमें अब नॉन सीरियस ले रही है। मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, इस वक्त सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है कि जी इंडिया बर्बाद हो गया। इंडिया कदम बर्बाद नहीं हुआ, पूरी दुनिया उनके साथ आके खड़ी हो गई है। सऊदी अरेबिया सबसे ज्यादा उनको ऑक्सीजन 80 मिलियन टन कॉन्सेंट्रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें तो सर उन्होंने एक अंश नहीं दिया। अमेरिकन उनके साथ खड़े हो गए, अमेरिका उन्हें कॉन्सेंट्रेट दे रहा है, यूके खड़ा हो गया है, हम तो सर फारिग हैं पूरी दुनिया में। आप बताइए कि प्रॉब्लम वहां है तो उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, गलतियां उन्होंने भी बहुत ज्यादा की हैं, जैसे खुम का मेला था उनका बंगाल का और साउथ का पूरा एक इलेक्शन है, बट द पॉइंट इज दे आर लर्निंग, उनका कर्व है। और मैं रजी साहब आपकी वसातत से एक अर्ज करूंगा कि मैंने अभी चीफ मिनिस्टर दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है जिसपे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से लड़ रहा है कि कोविड की वैक्सीनेशन जो है वो 150 से 300 की जो है ये बहुत महंगी है, ये लोगों को मुफ्त मिलनी चाहिए। हमारे यहां क्या कीमत है सर? 8,000 से 16,000 रुपया। तो सर कहीं तो हमें कोई खुशखबरी हो, कोई हमें बात हो। बिल्कुल, मैं क्या अर्ज करूं इसके ऊपर? कहीं तो इसको फुल स्टॉप लगना है, ये एक बड़ी जी लगेगा, ये बिल्कुल लगेगा। और आज मैं समझता हूँ बड़ी मैं शहबाज शरीफ साहब के मुतल्लिक कोई बहुत ज्यादा हुस्न ज़न नहीं। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन था भारत में जो कोरोना फैला है उसे लेकर। हालांकि मैं इसमें नेगेटिव पार्ट नहीं दिखाना चाह रहा था क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी मीडिया इतने टॉन्ट मार रहे हैं इंडिया में जो कोरोना केसेस हो रहे हैं, जो लाशें गिर रही हैं, वो चीज़ें मैं दिखाना नहीं चाहता। वैसे भी आपको भी पता है नेगेटिविटी भारत के अभी कोने कोने में फैली है, भारत में पॉजिटिविटी बहुत कम रह गई है, जिस वजह से आप वैसे ही मानसिक तनाव का शिकार। आपको भी पता है, मैं आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ बताना चाहता हूं कि कल भारत की सबसे अच्छी रिकवरी रही है, 2,40,000 लोग रिकवर हुए हैं और कोरोना केसेस में भी मतलब 30-40 हज़ार लोग
कम पॉजिटिव हुए हैं जो लास्ट मतलब हुआ था उससे, मतलब कल 3-15 या 3-20 पॉजिटिव हुए हैं और 2-40 रिकवरी रही है, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यानी आने वाले 10-15 दिनों में 3 लाख तक रिकवरी पहुंचेगी और पॉजिटिव केस अगर ऐसे ही गिरते रहे, क्योंकि आपको भी पता बहुत सारे एरिया में लॉकडाउन लगा है, तो शायद कोरोना केसेस कम हो जाएँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ, और वैक्सीन लगवाने से पहले आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, क्योंकि वैक्सीन लगवाने में मैं बता रहा हूँ आपको बड़े शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी, क्योंकि बड़े शहरों की आबादी बहुत ज़्यादा है, छोटे शहरों में शायद वैक्सीन बहुत आसानी से आपको मिल जाए, मतलब आबादी कम है लोग, बड़े शहरों में लोग थोड़ा सा क्या वैक्सीन लगवाने के लिए ज़्यादा जागरूक भी हो रहे हैं कि उन्हें ज़रूरत है। छोटे शहरों में ऐसा है कि गांव वाँव के लोग ज़्यादा वैक्सीन लगवाने में विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो छोटे शहरों में अगर आप हैं तो वैक्सीन बिना रजिस्ट्रेशन के भी आपको मिल सकती है, लेकिन अगर आप बड़े शहरों में हैं तो फिर डेफिनेटली आपको वेट करना पड़ेगा। वेट कर सकते हो आप, ऐसा नहीं है अगर आज किसी को लगी तो दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन पांचवें दिन अगले हफ्ते तक भी वेट कर सकते हो जब इतना वेट किया। तो वैक्सीन बहुत ज़रूरी है दोस्तों, प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं, इससे आपके 99% कोरोना से मतलब मरने के चांस ख़त्म हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ पॉजिटिव होने के चांस तो फिर भी रहते हैं, उसमें 85% ही बताया गया कि आप पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन आप मरेंगे नहीं, पॉजिटिव हो जाएंगे और हॉस्पिटल भी नहीं जाएंगे, घर में ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो स्टडी आई है उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो गाइज आपने देखा पाकिस्तान के डॉक्टर्स क्या कह रहे थे, पाकिस्तान के डॉक्टर्स कह रहे थे कि इंडिया जो कोरोना में फंसा हुआ है उससे रिकवर कर रहा है। मतलब आपने देखा कि इंडिया में वैसे भी जो अभी 5-6 दिन पहले जो एकदम से धड़ाम से केस जो ऊपर गए थे, तो उसके बाद पैनिक सिचुएशन आ गई थी और मीडिया में तो बिल्कुल पागल हो गए थे लोग, तो उसके बाद से अब देख रहे हो आप रिकवर हो रहा है इंडिया, धीरे धीरे लोग मतलब कम मतलब केसेस कम हो रहे हैं और पॉजिटिव जो हो रहे हैं वो ठीक भी हो रहे हैं। और जो ऑक्सीजन वगैरह का पैनिक था वो वैसे भी डॉक्टर ने क्लियर कर दिया कि 95% लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं रहती, जो 5% लोग हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में जाते हैं उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, 85% लोगों को तो खाली हॉस्पिटल जाने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, जो 10% लोग हैं उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत रहती है। तो गाइज आप समझ सकते हो, लेकिन 10% भी इंडिया की आबादी इतनी ज़्यादा है कि वो 95 में 5% ही इतना ज़्यादा हो जाता है कि दोस्तों हम क्या बोलें, अब आपको भी पता आबादी इतनी ज़्यादा है भारत की कि वो फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपने देखा कि भारत ने, जब भारत में केसेस कम थे, भारत में वैक्सीन बहुत ज़्यादा थी, तो भारत ने सऊदी अरेबिया, यूएई, कनाडा, इटली, ब्राज़ील, बहुत सारे देशों में, मलेशिया, सब जगह भारत ने वैक्सीन भेजी थी। भारत ने वैक्सीन तब भेज दी थी जब भारत में केसेस कम थे और भारत बहुत बड़े नंबर में वैक्सीन बना रहा था। उसके बाद रिप्लाई में क्या हुआ, जब भारत में केस बढ़े तो इन देशों ने भारत की मदद की, अमेरिका ने थोड़ा नाटक किया। आपको बता दूं अमेरिका ने भारत का वैक्सीन बनाने का रॉ मटेरियल रोक लिया था, लेकिन अब वो भी क्लियर कर दिया, यानी अब भारत में और भी तेजी से वैक्सीन बनेंगी। उम्मीद करते हैं गाइज अगस्त तक जो इंडिया की गवर्नमेंट का टारगेट है 50 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का, अगर वो पूरा हो गया तो डेफिनेटली ये कोरोना से हम आधी लड़ाई तो जीत जाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट मतलब अगर हम जैसे ही 80 करोड़ लोगों को वैक्सीन क्रॉस करेंगे उस दिन हम कोरोना से विजय हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको सिचुएशन वैसे भी पता है क्या होगी, मास्क वगैरह आपको फिर हमेशा लगाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि हम ये कोरोना से निकलेंगे जितना जल्दी हो सके। पाकिस्तानियों के मैं नेगेटिव कमेंट नहीं देना चाह रहा हूँ, पॉजिटिव कमेंट ही देना चाह रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिविटी मैं नहीं फैलाना चाहता। लेकिन कई पत्रकार ऐसे हैं जो ऐसा मतलब अंदर से मतलब खुश होकर ये भारत की ये न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान में भी ये दुविधा आ सकती है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये कोरोना कोई बॉर्डर, कोई धर्म ये सब नहीं देखता है, ये कभी भी कहीं पे भी हो सकता है। वैसे भी सिचुएशन तो वैसे भी तुम्हारे यहाँ भी वैसी है, जैसे हमारे यहाँ लोग SOP फॉलो नहीं करते, लोग बिना मास्क के घूमते थे, तो होगा वो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। गाइस ख़त्म करता हूँ वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।